ये प्रॉब्लम देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज। आज मेरे पास हीरो होंडा की पैशन प्रो बाइक है। प्रॉब्लम है गियर शिफ्टिंग की। गियर काम नहीं कर रहा, देखो ये गियर लग ही नहीं रहा, एक भी गियर काम ही नहीं कर रहा है। तो यही प्रॉब्लम है, भैया मेरे पास लेके आए हैं, बोल रहे हैं इसमें गियर नहीं लग रहा। जितने गियर पे ये आ गई उतने गियर पे हम लेके आ गए इसे, और इसमें ना तो न्यूट्रल हो रही ना तो कोई इसमें गियर पड़ रहा है। जितने पड़े हैं उतने पे ये बाइक चल रही है। तो अब जो है इसकी प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें तो ये पता चल रहा है जो गियर लीवर लगा हुआ है ये सिर्फ घूम रहा है, ये शाफ्ट को साथ में नहीं घुमा रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे, ये लीवर को खोल के बाहर निकाल के देखते हैं इसका शाफ्ट में प्रॉब्लम है या फिर जो गियर लीवर है गियर लीवर में प्रॉब्लम। अगर गियर लीवर में प्रॉब्लम है तो फिर इसको नया डाल देंगे। पहले तो मैं इसे खोल लेता हूँ, ये बोल्ट भी कट गया है ये देखो एक साइड से। इसका लीवर मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बिल्कुल आराम से निकल गया। और इसका जो ये देखो जो दाँते अंदर होते हैं वो दाँते घस गए हैं। अब इसे रखते हैं, पहले शाफ्ट वाले दाँते चेक करते हैं जो मेन है, है ना। शाफ्ट अगर शाफ्ट के जो टीथ हैं दाँते हैं वो सही हुए तो गियर लीवर इसमें नया डाल देंगे, गियर काम करने लगेंगे। इसको मैं कपड़े से खूब अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ, फिर मैं इसके दाँते अच्छे से चेक कर लूँगा। शाफ्ट इतनी जल्दी तो कटता नहीं है, कटता है तो लीवर ही कटता है, लीवर के दाँते खराब हो जाते हैं। देखो ये शाफ्ट बिल्कुल बढ़िया है, दाँते अंदर के तो बिल्कुल फिट हैं, बाहर के हल्के हल्के कटे हुए हैं। ये चल जाएगा, शाफ्ट बिल्कुल सही है, शाफ्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके गियर लीवर में प्रॉब्लम है, गियर लीवर इसका चेंज करना पड़ेगा। तो इसका गियर लीवर जो है मैं नया लेके आता हूँ, पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो इसके जो दाँते हैं बाहर साइड से भी कट गए और अंदर के भी कट गए, पूरे टीथ कट चुके हैं। नया लीवर लेके आता हूँ मैं, ये था मेरे पास नया लीवर जो है स्प्लेंडर का है। देखो स्प्लेंडर हो गई और जो पैशन प्लस पैशन प्रो इन सब का सेम ही आता है, लग जाता है। तो अभी मैं फ़िलहाल जो इसी को लगा रहा हूँ, स्प्लेंडर वाला सेम है, कोई फर्क नहीं है। बोल्ट खोलते हैं एक बार, मैं इसे चेक कर लूँगा, फिर भैया से बता देंगे कि इसका जो लीवर है ये वाला ये चेंज करना पड़ेगा। अब वो तो कस्टमर ही बताएंगे चेंज करना है या नहीं करना है। पहले मैं इसे दोनों को देखो, एक का होल जो है बड़ा और दूसरे का छोटा है, और अभी इसको मैं टाइट करूँगा तो और छोटा हो जाएगा। नया वाले का गैप जो है बिल्कुल बहुत कम हो गया है, जो कट है कट। देखो मैं बिना बोल्ट के लगा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ, देखो गियर ये देखो काम कर रहा है, न्यूट्रल हो रही है, पड़ रहा है न्यूट्रल हो रही है, मतलब ये बिल्कुल घूम नहीं रहा। अभी इसमें बोल्ट टाइट हो जाएगा तो बिल्कुल गियर लगने लगेंगे, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। बोल्ट तो अभी टाइट नहीं, हम बाहर से ही इसे चेक कर रहे हैं। ये वाला और ये दोनों में फ़र्क जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो भैया से बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो अभी भैया ने कह दिया है कि हाँ नया गियर लीवर जो है चेंज कर दो, तो अब मैं जो है इसे नया लगा देता हूँ। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कितना ऊपर और नीचे रखना है, ये आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा। और मैं इसका जो बोल्ट है, पहले बोल्ट को हम हाथ से चढ़ा लेंगे, जो चूड़ी है उसको चढ़ा लेंगे, और बाद में थोड़ा सा हल्का सा अंदर करके लीवर को बोल्ट टाइट कर देंगे। पहले मैं इसे जितना बोल्ट चढ़ रहा है उतना चढ़ा लेता हूँ, ये मैंने दबा दिया, अब मैं इसे फुल टाइट कर दूंगा। देखो फुल टाइट कर देना बोल्ट को, और फिर उसके बाद इसे टाइट करने के बाद 10 से 15 दिन चलाना, एक बार बोल्ट फिर से टाइट करवा लेना, लूज हो जाता है बोल्ट। चलो ये बस, अब इसका गियर प्रॉपर ये देखो काम करने लगे, न्यूट्रल भी हो रही, गियर भी पड़ रहा। सारे गियर जो है चेक कर लेते हैं एक बार व्हील घुमा के, ये दूसरा तीसरा ये चौथा, एक दो तीन चार न्यूट्रल हो गई, गियर बढ़िया तरीके से काम करने लगा। जो गियर की प्रॉब्लम थी वो थी गियर लीवर से, तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ये लीवर हमको चेंज करना पड़ा। अगर आप लोगों के बाइक में कुछ ऐसा सीन है तो आप लोग एक बार लीवर ज़रूर दूसरा डलवा के देखना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर शाफ्ट नहीं कटी होगी तो। ये वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं अच्छी सी प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो को करते हैं एंड।